आज का हमारा अध्याय है प्रेमचंद के फटे जूते। इसके लेखक हैं प्रसिद्ध व्यंग्यकार श्री हरिशंकर परसाई जी। यह पाठ आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग एक का छठा अध्याय है। इस पाठ में लेखक ने मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन की सादगी के बारे में बताया है तथा इस पाठ में उन्होंने लेखकों की दुर्दशा यानी बुरी दशा और दिखावा करने वाले लोगों पर भी टिप्पणी की है, ठीक है, अर्थात उन पर व्यंग्य किया है। इस पाठ में लेखक ने प्रेमचंद की वेशभूषा तथा उनके व्यक्तित्व पर भी प्रकाश। पाठ पढ़ने से पहले हम कुछ शब्दों के अर्थ देख लेते हैं, जैसे उपहास, खिल्ली उड़ाना या मजाक उड़ाने वाली हंसी, आग्रह, निवेदन करना, क्लेश, दुख, तगादा तकाजा, ठीक है, या जल्दी काम करने का संदेश, तगादा, पनहैया, देसी जूतियाँ, बिसरना, भूल जाना, नेम, नियम, धर्म, कर्तव्य, बंद, फीता, बेतरतीब अव्यवस्थित, ठीक है, जिनकी व्यवस्था न की गई हो उल्टे सीधे ढंग से, ठाठ शान, बरकरार बचाकर। एक बार फिर से देख लेते हैं, उपहास, खिल्ली उड़ाना, आग्रह, निवेदन करना, क्लेश, दुख, तगादा, तकाजा या कुछ काम करने की जल्दी, पनहैया, देसी जूतियाँ, विसरना, भूल जाना, नेम, नियम, धर्म, कर्तव्य, बंद, फीता, बेतरतीब, अव्यवस्थित, ठाठ, शान, बरकरार, बचाकर, ठीक है। अब हम पाठ पढ़ते हैं प्रेमचंद के फटे जूते। प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने है, पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं, सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने हैं, कनपट्टी चिपकी है, गालों की हड्डियां उभर आई है, पर घनी मूछें चेहरे को हरा भरा बतलाती हैं, पावों में कैनवस के जूते हैं जिनके बंद बेतरतीब बंधे हैं, लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के सिरों पर की लोहे की पतरी निकल जाती है और छेदों में बंद डालने में परेशानी होती है, तब बंद कैसे भी कस लिए जाते हैं, दाहिने पांव का जूता ठीक है मगर बाएं जूते में बड़ा छेद हो गया है जिसमें से अंगुली बाहर निकल आई है, ठीक है। तो कैनवस क्या होता है, कैनवस होता है एक प्रकार का मोटा कपड़ा, ठीक है, और कनपट्टी क्या होती है, कान के साथ वाला भाग, और बेतरतीब बेढंग से, ठीक है, बेतरतीब बेढंग से। तो इन पंक्तियों के द्वारा लेखक ने प्रेमचंद जी के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा को दिखाया गया है, ठीक है, वेशभूषा उनके पहनने कपड़े पहनने के तरीके को दिखाया गया है। तो क्या बताया लेखक ने कि प्रेमचंद जी का एक चित्र उनके सामने है और उस चित्र में वे अपनी पत्नी के साथ फ़ोटो खिंचवा रहे हैं और फ़ोटो खिंचवाते समय उन्होंने क्या पहन रखा है, सिर पर एक मोटे कपड़े की टोपी पहन रखी है, कुर्ता और धोती डाल रखी है, कानों के साथ का भाग चिपटा हुआ है यानी मुंह उसका चिपटा हुआ है और चिपटे मुंह पर गालों की हड्डियां ऊपर की तरफ उभर आई हैं यानी निकल आई हैं, किंतु उनकी मूछें घनी हैं, मूछें ज़्यादा हैं जिसके कारण चेहरा चिपका हुआ नहीं कुछ भरा भरा सा लगता है, और उन्होंने पाँव में कैनवस के जूते पहने हुए हैं जिनके बंद, बंद मतलब फीते, ठीक है, फीते गलत ढंग से बांधे हुए हैं और उनकी लापरवाही के कारण बंदों के सिरे पर लोहे की पतरी निकल गई है,
ठीक है, जिनमें से फीते डालते हैं हम जूतों के जो सिरे होते हैं, तो उनमें जो लोहे की गोल गोल चीज़ होती है वो पतरी निकल गई है, इसलिए उन्हें बंदों को जूतों के सुराखों में डालने में कठिनाई होती है। ठीक है, जब वो गोल हिस्सा या वो लोहे का हिस्सा निकल जाता है तो उनमें फीते डालने में परेशानी होती है, तो यही बात लेखक ने यहाँ बताई है। इसलिए वे बंदों को जैसे तैसे कस ही लेते हैं। ठीक है, बंद डालने में कठिनाई होती है इसलिए वो फित्तों को कैसे भी बांध लेते हैं। उनके दाहिने मतलब दायां पैर, ठीक है, दाएं पाँव का जूता तो ठीक है लेकिन बाएं पाँव का जूता फटा हुआ है और उसमें आगे की ओर एक बहुत बड़ा छेद हो गया है। ठीक है, जूते के आगे किस आगे सिरे की ओर बहुत बड़ा छेद हो गया है जिसमें से अंगुली बाहर निकल आई है और उस छेद में से उनकी उंगली बाहर निकल गई है। अर्थात क्या बताना चाहता है लेखक यहाँ कि इतने बड़े साहित्यकार का व्यक्तित्व उनकी दयनीय दशा को दर्शा रहा है। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद को कहानियों का सम्राट कहा जाता है, बहुत बड़ा साहित्यकार माना जाता है और यहाँ उनकी इस दयनीय दशा के बारे में बताया गया है। ठीक है, आगे है, मेरी दृष्टि उस जूते पर अटक गई, मतलब लेखक की नज़र उस जूते पर अटक गई, सोचता हूँ फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी, नहीं इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी, इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है, यह जैसा है वैसा ही फोटो में खिंच जाता है। जब लेखक के पास वह फोटो खिंचाने आया, मतलब लेखक ने उस फोटो को देखा तो उनकी नज़र उनके जूते पर अटक गई और एक पल के लिए उन्होंने सोचा कि अगर इस आदमी की फ़ोटो खिंचाने की है, मतलब ये वस्त्र है ये पोशाक है, तो घर पर पहनने की कैसी होगी, क्योंकि आम तौर पर जब भी हम फ़ोटो खिंचवाते हैं तो बिल्कुल तैयार होके नए कपड़े पहनकर, ठीक है, अच्छी तरह से खिंचवाते हैं, तो इसीलिए लेखक ने सोचा कि अगर फ़ोटो खिंचवाने की यह पोशाक है तो घर पर पहनने की कैसी होगी इसकी पोशाक। लेकिन अगले ही पल लेखक का मतलब विचार बदल जाता है कि नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी, इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है, पोशाकें बदलने का गुण नहीं है मतलब दिखावे की प्रवृत्ति इस आदमी के अंदर नहीं है, मतलब ये जैसा है वैसा ही दिखाई देता है। ठीक है, मतलब जैसे उनके जीवन की अवस्था है, जैसे वो रहते हैं वैसे ही फोटो में भी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आगे देखता हूँ, देखते हैं, मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ, क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे की तुम्हारा जूता फट गया है और अंगुली बाहर दिख रही है, क्या तुम्हें इसका जरा भी एहसास नहीं है, जरा लज्जा संकोच या झेप नहीं है, क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खींच लेने से अंगुली ढक सकती है, मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी लापरवाही बड़ा विश्वास है, फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज कहा होगा तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी, दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होंगे कि बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा, विचित्र है यह अधूरी मुस्कान, यह मुस्कान नहीं इसमें उपहास है व्यंग्य है। ठीक है, कि लेखक मुंशी प्रेमचंद जी के चेहरे की तरफ देखता है और सोचता है कि आपके साहित्यिक पुरखों को, पुरख क्या होता है पूर्वज, ठीक है, कैसा आपके साहित्यिक पुरखों को भी ये पता है कि आपका जूता फट गया है और उसकी उंगली बाहर दिख रही है, क्या तुम्हें इसका जरा भी एहसास नहीं है, जरा भी लज्जा या संकोच नहीं है कि आपका जूता फटा हुआ है, क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खींच लेने से उंगली ढक सकती है। तो इस पंक्ति के माध्यम से लेखक ने क्या बताया है, दिखावे की प्रवृत्ति की तरफ, ठीक है, कि दूसरों को
मतलब हम अपनी कमजोरियों को छिपा सकते हैं। कमजोरियों को छिपाने के बारे में बताया कि अगर आप धोती को थोड़ा नीचे खींच लेते तो आपका ये जो बाहर उंगली निकली हुई है, जो जूता फटा हुआ है, वो ढक सकता था, ठीक है। मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी लापरवाही, बड़ा विश्वास है। ये कह रहा है कि आप इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकती हैं, ठीक है, फटा जूता पहनकर आप फोटो कैसे खिंचा सकती हैं। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज कहा होगा, फोटोग्राफर जब फोटो क्लिक करता है तो तैयार होने के लिए बोलता है रेडी क्लिक, रेडी प्लीज कहा होगा, तब परंपरा के अनुसार, ठीक है, परंपरा के अनुसार मतलब जब भी कोई फोटो खिंचाता है और फोटोग्राफर रेडी प्लीज बोलता है तो लोग हंसने लग जाते हैं, तो उसी परंपरा को निभाते हुए आपने भी मुस्कान लाने की कोशिश की होगी, मतलब चेहरे पर हंसी लाने की कोशिश की होगी दर्द के गहरे कुएं के तल में। मतलब जो प्रेमचंद जी के मन में व्यथा या पीड़ा छुपी हुई थी ना, उसको भूलकर उसने अपने चेहरे पर प्रसन्नता लाने की कोशिश की, लेकिन बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा, ठीक है, और उसी बीच फोटोग्राफर ने फोटो खींच ली होगी। विचित्र है यह अधूरी मुस्कान, यह मुस्कान नहीं, इसमें उपहास है, व्यंग्य है, ठीक है। ऐसी जो आपकी ये अधूरी मुस्कान है, इस पर इसमें क्या दिखाई देता है, व्यंग्य दिखाई देता। आगे हम देखते हैं, फोटो ही खिंचाना था तो ठीक जूते पहन लेते या न खिंचाते फोटो, फोटो न खिंचाने से क्या बिगड़ता था, ठीक है। शायद पत्नी का आग्रह रहा हो और तुम अच्छा चल भाई कहकर बैठ गए होंगे, मगर यह कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि आदमी के पास फोटो खिंचाने को भी जूता न हो। मैं तुम्हारी यह फोटो देखते देखते तुम्हारे क्लेश को अपने भीतर महसूस करके रो पड़ना चाहता हूँ, मगर तुम्हारी आंखों का यह तीखा दर्द भरा व्यंग्य मुझे एकदम रोक देता है, ठीक है। इसमें लेखक ने क्या बताया है, आज के दिखावे की प्रवृत्ति का वर्णन किया गया है, ठीक है। लेखक ने जब प्रेमचंद की फोटो को ध्यान से देखा तो उन्हें पता चला कि उनका जूता फटा हुआ था और उसमें से एक उंगली बाहर निकली हुई थी जो बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। इस पर लेखक ने थोड़ा सा क्रोध किया और उसने कहा कि फोटो ही खिंचवाना था तो ठीक जूते पहन लेते या न खिंचवाते, फोटो न खिंचवाने से क्या बिगड़ जाता, ठीक है। अर्थात लेखक क्या कहना चाहता है कि बुरी फोटो खिंचवाने से तो फोटो न खिंचवाना ही ठीक रहता, किंतु लेखक फिर सोचता है कि शायद फोटो खिंचवाने का आग्रह पत्नी का रहा हो, कि शायद उसकी पत्नी ने कहा हो कि फोटो खिंचवानी है, तो प्रेमचंद जी पत्नी की बात भला कैसे टाल सकते थे और उन्होंने उसकी बात को मान लिया हो और अच्छा चल भाई कहकर फोटो खिंचवाने बैठ गए होंगे। किंतु यह कितने दुख की बात है, ट्रेजेडी, दुख की बात है कि आदमी के पास फोटो खिंचवाने के लिए भी कोई जूता न हो। शायद प्रेमचंद जी के पास भी दूसरा जूता न रहा होगा, इसलिए वे फटा जूता पहनकर फोटो खिंचवाने बैठ गए हों। लेखक प्रेमचंद की विवस्था मजबूरी, बेबसी या लाचारी पर विचार व्यक्त करते हुए बोलता है कि मैं तुम्हारी यह फोटो देखते देखते तुम्हारे दुख को अपने में अनुभव करके रो देना चाहता हूँ। अर्थात लेखक को प्रेमचंद की फटा हुआ जूता पहनने की मजबूरी के प्रति बहुत सहानुभूति है, किंतु प्रेमचंद की आंखों का यह तीखा दर्द भरा व्यंग्य उसे एकदम रोने से रोक देता है। क्यों रोक देता है? क्योंकि उस फोटो में लेखक को प्रेमचंद की आंखों में कोई विवस्था या मजबूरी या किसी प्रकार का संकोच दिखाई नहीं देता, क्योंकि वे बहुत साधारण प्रवृत्ति के आदमी थे और जैसे वो हैं वैसे दिखने में उन्हें किसी प्रकार की कोई शर्म नहीं आती है, ठीक है। आगे है, तुम फोटो का महत्व ही नहीं समझते,
समझते होते तो किसी से फोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लेते। लोग तो मांगे हुए कोट से वर के समान दिखाई देते हैं, ठीक है, और मांगे की मोटर से बारात निकालते हैं। फोटो खिंचाने के लिए तो बीवी तक मांग ली जाती है, तुमसे तो जूते ही मांगते नहीं बने। तुम फोटो का महत्व नहीं जानते, लोग तो इत्र चुपड़ कर फोटो खिंचाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। गंदे से गंदे आदमी की फोटो भी खुशबू देती है। तो इसमें क्या बताया लेखक ने, प्रेमचंद की गरीबी के बारे में बताया है और साथ ही दिखावा करने वाले लोगों पर तीखा व्यंग्य किया है और लोगों की मांग कर पहनी हुई वस्तुओं से अच्छा दिखने की प्रवृत्ति पर भी प्रहार किया है। तो लेखक ने फोटो में प्रेमचंद को देखकर क्या कहा कि आप तो फोटो के महत्व को ही नहीं समझते कि फोटो क्या चीज़ है, ठीक है, मतलब फोटो को लंबे समय तक लोग देखते हैं और हमारी हैसियत के बारे में पता चलता है, क्योंकि लोग फोटो देखकर ही व्यक्ति के महत्व का आकलन करते हैं, ठीक है, व्यक्ति के बारे में जानते हैं कि कैसा होगा, कैसी इसकी दशा है, कैसी सामाजिक अवस्था है, ठीक है। यदि तुम फोटो के महत्व को समझते तो फोटो खिंचवाने के लिए किसी से अच्छे जूते मांग भी सकते थे। लेखक ने दूसरों से वस्तुएं मांगकर फोटो खिंचवाने वालों पर भी व्यंग्य करते हुए या प्रहार करते हुए पुनः कहा कि लोग तो मांगा हुआ कोट पहनकर दूल्हा बन जाते हैं, ठीक है, वर क्या होता है, दूल्हा। लोग तो मांगी हुई कार से बारात भी निकालते हैं जिससे लोगों की नज़रों में उनकी शान और शौकत बढ़ जाती है, ठीक है, उनकी प्रसिद्धि, उनका ऐश्वर्य बढ़ जाता है। यहाँ तक कि लोग तो फोटो खिंचवाने के लिए दूसरों की बीवी भी मांग लेते हैं, अर्थात दूसरों की बीवी के साथ भी फोटो खिंचा लेते हैं। दूसरी ओर तुम हो कि तुमसे जूते भी मांगते नहीं बन रहा, मतलब दूसरी तरफ, एक तरफ तो लोग सब कुछ मांग लेते हैं और दूसरी तरफ एक लेखक है जो मतलब एक जोड़ी जूते भी नहीं मांग पाया। निश्चय ही तुम फोटो के महत्व को नहीं समझते। लोग तो खुशबूदार तेल लगाकर, परफ्यूम वगैरह लगाकर फोटो खिंचवाते हैं ताकि फोटो में भी खुशबू आए। गंदे से गंदे आदमी की फोटो भी खुशबू देती है, अर्थात गंदे से गंदे आदमी भी बन संवर कर फोटो खिंचवाता है ताकि वो फोटो में सुंदर लगे, ठीक है। इसमें इन बातों से क्या झलकता है कि मुंशी प्रेमचंद जी गरीब भले ही हो किंतु उन्होंने दिखावे की प्रवृत्ति में कभी विश्वास नहीं किया है। वो जैसे हैं वैसे ही दुनिया के सामने दिखाई देते हैं, ठीक है।